हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग के हिंदी में कुछ एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो इंग्लिश में पहले वीडियो डाली गई थी 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट किया है, क्योंकि आप सभी की डिमांड आ रही थी। तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, बहुत जल्दबाजी में ये करना पड़ा हिंदी में ट्रांसलेट। तो होप सो आप सभी को अगर कुछ मिस्टेक लगती है हिंदी में, अगर मिस्टेक हो गई है थोड़ा बहुत, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, सो दैट औरों की हेल्प हो जाए। पहले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षा में डैश का उपयोग सीखने और छात्रों के विकास का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। पहला है आकलन असेसमेंट, दूसरा है मूल्यांकन इवैल्यूएशन, तीसरा है मापन मेजरमेंट, चौथा है निदान डायग्नोसिस। तो जो आपका सही आंसर है वो है आकलन असेसमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान और कौशल दोनों को स्थानांतरित किया जाता है। तो कुछ व्यक्तियों से लेकर कुछ व्यक्तियों तक, कुछ व्यक्तियों से लेकर बड़ी संख्या में लोगों तक, या कुछ व्यक्तियों से अगली पीढ़ी तक, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। देखिए, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्ति जो होते हैं, मतलब टीचर्स, अगली पीढ़ी को पढ़ाते हैं। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि ऑप्शन फोर भी हो सकता है, क्योंकि वो बुक में मेंशन है। देखिए, बुक में आपका सिर्फ मेंशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, और शिक्षा को हम जब भी देखते हैं तो हम फॉर्मल वे में मानेंगे यहाँ पे प्रश्न में, ना कि इनफॉर्मल वे में। देखिए, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है वो फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, तो दोनों आ गई। लेकिन कुछ व्यक्तियों से अगली पीढ़ी तक, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, सिर्फ ये है। लेकिन जब हम चारों ऑप्शंस में देखेंगे तो करेक्ट आंसर, मैंने जो बाकी टीचर्स हैं आपके उनसे भी पूछा, यूनिवर्सिटी के टीचर्स से, कि क्या यहाँ पे आंसर फिट बैठेगा, तो सभी ने थर्ड बोला था। बट अगर आपको लगता है फोर्थ भी आंसर हो सकता है तो आप उसको भी मान सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर थर्ड होगा, कुछ व्यक्तियों से अगली पीढ़ी तक। अगला प्रश्न है प्रश्न तीन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चे के व्यवहार को मापने के लिए किया जाता है। पहला है टेस्ट, दूसरा है मापन, तीसरा है आकलन, चौथा है मूल्यांकन। तो देखिए, जिसका उपयोग किया जाता है वो है टेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों की मात्रात्मक प्रगति विवरण तक सीमित है। पहला है टेस्ट, दूसरा है मेजरमेंट मापन, तीसरा है आकलन असेसमेंट, चौथा है मूल्यांकन। तो जो सही उत्तर है वो है आपका मापन मेजरमेंट। प्रश्न पांच, कौन सा मूल्यांकन है जो सीखने की प्रगति की निगरानी करता है, वो है औपचारिक मूल्यांकन। अगला है प्रश्न छह, डैश कार्यक्रम को प्रशिक्षित करने और छात्रों का सीखने में सुधार करने के लिए ज्ञान कौशल दृष्टिकोण और विश्वासों पर अनुभवजन्य दस्तावेजोकरण का उपयोग करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। शैक्षिक मूल्यांकन या शैक्षिक मूल्यांकन ही है, मतलब देखिए हिंदी में यही बोला जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं कि आपका एजुकेशनल असेसमेंट या एजुकेशनल इवैल्यूएशन। तो ये हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट किया है, इसलिए आपको यहाँ पे दो बार मिल गया है, एक ही बार कर देते हैं। अगला है मापन मेजरमेंट, देन परीक्षा इवैल्यूएशन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन। अगला है प्रश्न सात, मूल्यांकन का ध्यान किस पर केंद्रित होता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी, सीखने वाला समुदाय, एक शैक्षणिक कार्यक्रम, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न आठ, एक पाठ्यक्रम या
परियोजना में अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? तो जो किया जाता है मूल्यांकन वो है नैदानिक मूल्यांकन। नेक्स्ट इज, व्यक्ति में किस प्रकार की असामान्यता, अयोग्यता, अक्षमता या व्यक्तिक्रम अथवा व्याधि के स्वरूप की ठीक पहचान अर्थात निदान डैश कहलाती है? तो वो कहलाती है नैदानिक मूल्यांकन। ये रहा आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 10, जिन प्रश्नों का सही उत्तर एक ही विकल्प होता है उन्हें डैश कहते हैं। जैसे प्रश्न हम कर रहे हैं तो इनमें चार विकल्पों में से आपका एक विकल्प ही सही है, तो उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उद्देश्य प्रश्न। अगला है प्रश्न 11, डैश औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है, आकलन, परीक्षा, स्कूल, साक्षात्कार। असेसमेंट जो है वो आपका औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। अगर इसमें आपको और ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रही हो तो देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ बच्चों का कमेंट आया था इंग्लिश की वीडियो जब डाली थी कि इंटरव्यू भी अनौपचारिक हो सकता है। देखिए, हमें यहाँ पे ब्रॉडर वे में देखना होगा, इंटरव्यू अनौपचारिक नहीं होता है, ना स्कूल अनौपचारिक होता है, ना एग्जामिनेशन, बट असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे जो चारों में से फिट बैठ रहा है वो है ऑप्शन 1, तो इसलिए हम आंसर असेसमेंट पे टिक करेंगे। अगला है, मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, यह जानने के लिए कि छात्र को क्या पता है, यह पता लगाने के लिए कि छात्र क्या कर सकते हैं और वो कितना अच्छा कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि छात्र कोई भी कार्य किस ढंग से और कैसे करते हैं। तो ये सभी मूल्यांकन के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है बेसिकली। नेक्स्ट इज प्रश्न 13, डैश किसी चीज को ध्यान से देखने का कार्य है, विशेष रूप से यह देखने के लिए कि पढ़ाने की क्रिया में कोई समस्या तो नहीं है, और यदि समस्या है तो उस समस्या का कारण ढूंढना है। तो वो क्या है, उसे कहते हैं परीक्षा, एग्जामिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग कौशल, इसको रेटिंग स्केल भी बोला जाता है, एंड रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। हम देखिए, बच्चों का मूल्यांकन, बच्चों का जो इवैल्यूएशन करते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, इंटरव्यू, साक्षात्कार के थ्रू करते हैं, रेटिंग स्केल से भी करते हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में जो आकलन आया है, हमारा मूल्यांकन आया है, इवैल्यूएशन, उसका रिकॉर्ड रखते हैं रिपोर्ट कार्ड में। तो ये एक उपकरण नहीं है, बल्कि इसमें हम डाटा रखते हैं। प्रश्न 15, एक मूल्यांकन डैश है यदि वह लगातार सामान्य, दैट इज सेम या सिमिलर, छात्रों पर किया जाए, तो वो रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्ट्रक्टिव, आइडियलिस्टिक या डायरेक्टिव? तो आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक एक शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। प्रश्न 17, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है आपका, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रम को समझाना। अगला है प्रश्न 18, डैश अन्य डिवाइस से बेहतर है, तो इंटरव्यू इनमें से अन्य डिवाइसेस से बेहतर है, अन्य उपकरणों से बेसिकली। प्रश्न 19, लिखित परीक्षा को डैश भी कहा जाता है, तो कागज पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है लिखित परीक्षा को। NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा,
दैट इज नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क. तो इंग्लिश में भी ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको फुल फॉर्म जब देखनी है तो आप लिखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ओनली. ये आपका इंग्लिश ऑप्शन और हिंदी में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, तो आपको ऐसे ही मेनली ये लर्न करना है. नेक्स्ट इज प्रश्न 21, रेटिंग पैमाना या रेटिंग स्केल क्या है? तो सही उत्तर है, किसी स्थिति, वस्तु या चरित्र के संबंध में विकल्प या निर्णय की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है. रेटिंग पैमाना एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा निर्णय को निर्धारित किया जा सकता है. अदर ऑप्शंस हम नहीं देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. प्रश्न 22, तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, ऐसी प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा शिक्षक मानक विशेष पैमानों पर परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, जो पूरी तरह से अंकों पर आधारित होती है और जिनमें ए से एफ तक या 1 से 10 तक शामिल होते हैं. आमतौर पर विद्वानों के ग्रेड का वर्णन करने के लिए अक्षरों और संख्याओं का उपयोग किया जाता है. तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है आपका, जो है ग्रेड. तो वो क्या होगा, क्वेश्चन से ही पता चल गया, आंसर होगा ग्रेडिंग सिस्टम. प्रश्न 23, एक डैश परीक्षा प्रणाली एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, परीक्षण प्रणाली है. तो देखिए, जो आपका सही उत्तर है वो है ऑनलाइन एग्जाम, जैसे एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड इस बार होने वाले हैं. प्रश्न 24, डैश उन पहलुओं को देखने की प्रक्रिया है जो किसी की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है. तो करेक्ट आंसर है सेल्फ असेसमेंट, स्व मूल्यांकन. आईसीटी का क्या मतलब है? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी. अगला प्रश्न है, आंकड़े किस लिए सहायक हैं? देखिए, इन तीनों के लिए आंकड़े सहायक हैं, जो कि है शिक्षा के लिए, क्योंकि यह डाटा एकत्र करने में मदद करता है, डेटा की प्रस्तुति और विश्लेषण के लिए, डेटा की व्याख्या करने के लिए. ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ आपको मिल सकती है क्योंकि ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया गया है, बट थोड़ा बहुत आप अपने तरीके से ठीक कर ले प्लीज. देन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परसेंटाइल रैंक के बारे में है, किसी स्कोर की प्रतिष्ठता रैंक परसेंटाइल रैंक उसके आवृत्ति विवरण के स्कोर का प्रतिशत है जो इसके बराबर या उससे कम है. तो ये हमने कर लिया है. अगला है प्रश्न 28, यदि आप 25वें प्रतिशत में स्कोर करते हैं तो 25% परीक्षाएं आपके स्कोर से नीचे हैं, तो 25 को क्या कहा जाएगा? 25 को परसेंटाइल रैंक कहा जाएगा. अगला है, डैश गुणांक एक तकनीक है जिससे उपयोग दो चर के बीच, ये मतलब एक दूसरे के बीच संबंध की शक्ति और दिशा नकारात्मक या सकारात्मक को संक्षेप में करने के लिए किया जाता है. तो वो है स्पेयरमैन्स की रैंकिंग, स्पेयरमैन का रैंक सह संबंध. अगला है, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है, तो उसको आईसीटी कहा जाता है. नेक्स्ट इज, औपचारिक शिक्षा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो होम जो है, घर जो है, वो औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है. अनौपचारिक शिक्षा है, इनमें से क्या?
देखिए जो इंसिडेंटल होती है तो वो होती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में परिभाषित डैश होता है, करिकुलम सिस्टम मेथड अप्रोच। करेक्ट आंसर इज करिकुलम। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया का कौन सा तत्व है? एम्स होते हैं, करिकुलम भी है, इवैल्यूएशन भी है, लेकिन मोटिवेशन नहीं है। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न 36, शिक्षा प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि यह समय की जरूरत है, यह प्रसिद्ध संस्था द्वारा अपनाया जाता है, यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है, यह छात्रों को शिक्षण और शिक्षण गतिविधियों की ओर आकर्षित करता है। सही उत्तर है आपका विकल्प तीसरा, यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, जो आपका स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच भी जिसको बोला जाता है। ओपन बुक परीक्षा आपको अनुमति देती है किस चीज की इन चारों में से? तो नोट्स, ग्रंथों या संसाधन सामग्री को परीक्षा की स्थिति में ले जाने के लिए, एंड आप उसका यूज करते हुए टेस्ट दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। डैश सांख्यिकी में उपयोग किया जाने वाला एक उपाय है जो नीचे दिए गए मानों को दर्शाता है, जिसमें टिप्पणियों का एक समूह में टिप्पणियों को का प्रतिशत गिरता है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। सही उत्तर है परसेंटाइल। तो ये बेसिकली परसेंटाइल की डेफिनेशन है। शैक्षिक आंकड़ों में निम्नलिखित सांख्यिकी उपकरण शामिल हैं, सबके सब, सभी आपके यहाँ पे उत्तर हैं। नेक्स्ट इज डेटा को एकत्र करने, व्यवस्थित करने, प्रस्तुत करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। ये भी डेफिनेशन है आपकी स्टैटिस्टिक्स की। अगला प्रश्न, एक सतत व्यापक मूल्यांकन में वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन का संकेत है। तो सही उत्तर है आपका संख्यात्मक डोमेन, यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन और भावनात्मक डोमेन का मूल्यांकन। डोमेन को मुझे नहीं पता था हिंदी में क्या बोला जाता है, एंड तो थोड़ा सा आप ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए इतनी हेल्प आपको मिल जाती है बिकॉज आप सब हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी आपको नॉलेज होगी। तो यहाँ पे बस आपको आइडिया मिल जाए कि एग्जाम कैसे आ सकता है, बिकॉज इस टाइम पे क्योंकि 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हैं आपके, तो इतना वक्त नहीं है क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। अगर एक एक सब्जेक्ट को ध्यान से देखा जाए और फिर उसमें लैंग्वेज का भी ठीक किया जाए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो आने में टाइम लग जाता। तो इसलिए आप सबकी जितनी हेल्प हमारे चैनल के माध्यम से हो पाए, जितने जल्दी से जल्दी, तो वो कराने की कोशिश यहाँ पे रहेगी। थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाए तो उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के काम को इकट्ठा करता है और पढ़ता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगली पाठ की योजना बनाता है और समयोजित करता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सीखने के लिए मूल्यांकन, जो कि आपके सब्जेक्ट का भी देखिए नेम है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने के लिए मूल्यांकन क्या करता है? देखिए ये प्रेरणा को प्रोत्साहित करता है या प्रोत्साहित करता है या प्रेरणा देता है किसी भी प्रकार से। आपका देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल ठीक लगा तो मैंने वो डाला, सो दैट किसी भी रूप में अगर प्रश्न आए तो आप उसको अटेंड कर सकें। अगला है प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस को छोड़कर सभी मूल्यांकन को बढ़ावा देते हैं?
तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षण करना, समूह गतिकी दैट इज ग्रुप डायनामिक्स क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन देखेंगे। समूह गतिकी एक सामाजिक समूह, अंतर समूह गतिकी के भीतर या सामाजिक समूह अंतर समूह गतिकी के भीतर होने वाली व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। डेफिनेशन आप सभी को ग्रुप डायनामिक्स की अपनी बुक में मिल जाएगी। इनमें से कौन सा ज्ञान आधारित लक्ष्यों के लिए शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ब्लूम का वर्गीकरण है? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ऑल ऑफ देम। तो सब के सब, ऑल ऑफ देम इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, डैश टेस्ट पेशेवर एजेंसी द्वारा बनाए जाते हैं और सभी छात्रों के लिए समान सामग्री या प्रशासन प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। आपका उत्तर है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अगला है, यह किस प्रकार का ग्राफ है? तो यहाँ पे आपको ग्राफ देखना है, ओगिव ग्राफ है ये, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोला जाता है। आखिरी प्रश्न, परिणाम क्या थे और इसकी लागत कितनी थी? तो ये दो प्रकार के प्रश्न हैं यहाँ पे, तो ये किस प्रकार के प्रश्न हैं? निम्नलिखित प्रश्नों को निम्न के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वो आपका है क्वांटिटेटिव मेथड। देखिए, मात्रा बताई जा रही है, पूछी जा रही है बेसिकली इनमें, तो वो मात्रात्मक विधि यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड है। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। देखिए, बहुत जल्दबाजी में ये वीडियो बनाई गई है क्योंकि बहुत जल्दी में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसफर किया गया है। कुछ कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं तो उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।